गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 7.7 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 7.8 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 7.8 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताने वाले हैं, ताकि असाइनमेंट 7.8 आप लोग को बनाने और समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन एग्जाम्पल नंबर 31 को देखिए। Ramesh took 7/8 hours to paint a table and 2/3 hours to paint a chair. How much time did he take in painting both items? तो देखिए, रमेश को एक टेबल पेंट करने में 7/8 hours का समय लगता है और एक चेयर पेंट करने में 2/3 hours का समय लगता है। तो दोनों आइटम्स को पेंट करने में उसको कितना समय लगता है, यही हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 whole 13/19 hours, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 whole 11/24 hours, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 whole 24/37 hours और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 whole 13/24 hours। तो देखिए सॉल्यूशन, टोटल टाइम टेकन इन पेंटिंग बोथ आइटम्स। तो देखिए उसको टेबल पेंट करने में कितना समय लगा है, तो 7/8 hours और एक चेयर पेंट करने में 2/3 hours। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आवर्स को कॉमन ले लेंगे और देखिए 7/8 और 2/3 को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो 7/8 + 2/3 और आवर्स कॉमन ले लिए। अब देखिए 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स आता है। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21। अब प्लस का साइन है तो प्लस रख देंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो 8 टाइम्स में आता है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 = 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे तो 1 और 6 7 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 37/24 hours हो जाएगा। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 whole 13/24 hours लिखेंगे। तो therefore Ramesh took 1 whole 13/24 hours in painting both items। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 को देखते हैं। तुलसी हैज 6 whole 4/7 rupees, सी गिव्स 4 whole 2/3 rupees टू हर मदर, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। देखिए तुलसी के पास जो है 6 whole 4/7 rupees है और वो मतलब 6 whole 4/7 rupees में से अपनी माँ को 4 whole 2/3 rupees दे देती है। तो अब तुलसी के पास कितना रुपया बचता है, यही हम लोग को बता रहा है। तो देखिए सोल्यूशन, मनी विथ तुलसी, तो तुलसी के पास कितना रुपया था पहले, तो ₹6 whole 4/7 rupees था, ठीक है। उसमें से वो अपनी माँ को कितना रुपीस दे देती है, तो देखिए मनी गिव्स टू हर मदर ₹4 whole 2/3 दे देती है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ तुलसी, अब तुलसी के पास कितना रुपीस बचा, ठीक है। तो रुपीस, ठीक है, 6 whole 4/7 - 4 whole 2/3, ठीक है। तो रुपीस, ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 6 7 = 42 + 4, तो 46/7 -, ठीक है, 4 3 = 12 और 2 ऐड करेंगे तो 12/2 = 14, 14/3 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 21 हो जाएगा। तो रुपीस, ठीक है, अब देखिए 7 3 = 7 के टेबल में 3 टाइम्स में 21 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 = 18, तो कैरी 1 हो जाएगा और 4 3 = 12, 1 कैरी था तो 13 माइनस, ठीक है, अब 3 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 21 आएगा, तो 7 टाइम्स, तो 14 7 = 98 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 138 में से 98 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 / 21, तो रुपीज़ 40
बाय 21 रुपीज आ गया। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो रुपीज 1 होल 19 बाय 21 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग असाइनमेंट 7.8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू फर्स्ट नंबर। आफ्टर ट्रैवलिंग 42 किलोमीटर ए पर्सन फाउंड दैट 1/4 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। द लेंथ ऑफ हिज होल जर्नी इज। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 168 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया 48 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया 80 किलोमीटर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ होल जर्नी लेफ्ट। तो कितना जर्नी अभी लेफ्ट है तो 1/4, ठीक है। तो लेट द होल जर्नी बी टेकन एज 1, ठीक है। तो देन फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द होल जर्नी कवर्ड। तो देखिए 1 में से हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट जर्नी था उसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 1 4 - 1 तो 3/4, ठीक है। तो बट द लेंथ ऑफ जर्नी कवर्ड 42 किलोमीटर गिवेन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया है तो 42 किलोमीटर, ठीक है। तो सच दैट 3/4 ऑफ होल जर्नी इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। तो सच दैट होल जर्नी इज इक्वल टू 42 / 3/4 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 42 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में लाते हैं तो सेकेंड जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग रिसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 3/4 का रिसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो 14 4 = 56 किलोमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एडिटोरियम 1/3 ऑफ द 900 सीट्स आर एम्प्टी एंड 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स 900 आर फिल्ड आफ्टर 1 आवर तो देन द एडिटोरियम इज। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हाफ, ऑप्शन नंबर बी दिया फुल, ऑप्शन नंबर सी दिया 3/4 वैकेंट और ऑप्शन नंबर डी दिया 1/4 वैकेंट। तो देखिए 1/3 अगर खाली है 900 सीट का तो कितना खाली है, तो देखिए मतलब एम्प्टी कितना सीट है तो 300 सीट जो है एम्प्टी है और 2/3 क्या है ऑडिटोरियम का सीट क्या है भरा हुआ है मतलब फुल है। तो क्या करेंगे, तो 900 का हम लोग क्या करेंगे, 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 300 टाइम्स में जाएगा। तो 300 × 600 तो 600 सीट फुल है और 300 खाली है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ऑडिटोरियम फुल हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आचल वर्मा बॉट 3/7 केजी पी एंड 4/9 केजी वे। हाउ मच टोटल क्रियल्स डिड सी बाई। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, द टोटल क्रियल्स डिड सी बाई। तो देखिए 3/7 केजी क्या है, पी है और प्लस 4/9 केजी क्या है, वेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 = 63 होता है। तो देखिए 3 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 = 27 प्लस का साइन तो प्लस, 9 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 63 आएगा तो 7 टाइम्स, तो 4 7 = 28 हो जाएगा और केजी हमने कॉमन ले लिया है तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 का 5 कैरी 1 2 2 4 4 1 कैरी था तो 5 तो 55/63 केजी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिसिटी
पोल इज 11 होल 2/3 मीटर लॉन्ग इट ए लेंथ ऑफ 2 होल 1/3 मीटर इज ठीक है अंडर द ग्राउंड हाउ मच पार्ट ऑफ द पोल इज अबव द ग्राउंड मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है जो क्या है 11 होल 2/3 मीटर लॉन्ग है उसमें से देखिए इफ ए लेंथ ऑफ 2 होल 1/3 मीटर इज अंडर द ग्राउंड मतलब 2 होल 1/3 मीटर जो है वो ग्राउंड के अंदर है तो कह रहा है क्या हाउ मच पार्ट्स ऑफ द पोल इज अबव द ग्राउंड तो हम लोग को क्या बतलाना है कि कितना पार्ट्स जो है ऑफ द पोल क्या है जो ग्राउंड के ऊपर है ठीक है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्यूशन द टोटल पार्ट्स ऑफ द पोल इज अबव द ग्राउंड तो देखिए टोटल लेंथ पोल का क्या है तो 11 होल 2/3 मीटर जो कि दिया हुआ है और माइनस कर लेंगे जो ग्राउंड के अंदर कितना दिया है तो 2 होल 1/3 मीटर ठीक है तो हम लोग का अबव द ग्राउंड का पोल का जो ग्राउंड के ऊपर है उसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं तो देखिए 11 थ्री जा 33 और 2 ऐड करेंगे तो 35/3 मीटर हो जाएगा माइनस ठीक है 32 जा 617/3 मीटर अब हम लोग क्या करेंगे 33 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा ठीक है अब देखिए 3 1 जा 3 तो 35 1 जा 35 3 1 जा 3 तो 7 1 जा 7 तो 35 माइनस 7 ठीक है मीटर को हमने कॉमन ले लिया है तो 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा तो 28/3 मीटर जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9 होल 1/3 मीटर हो जाएगा जैसे देख लीजिए 28 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 9 जा 27 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो जो क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखते हैं जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं जो डिविजर होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं तो 9 होल 1/3 मीटर हो जाएगा आप लोग इसको नोट कर लीजिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एन एम्प्टी बास्केट वेट 1 होल 3/4 केजी मोना पुट 2 होल 1/2 केजी ऑफ मैंगो इन द बास्केट व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बास्केट एंड मैंगोज ऑल टुगेदर तो सॉल्यूशन द टोटल वेट्स ऑफ बास्केट एंड मैंगोज ऑल टुगेदर तो देखिए बास्केट का वेट कितना है तो 1 होल 3/4 केजी तो 1 होल 3/4 केजी लिख देंगे और प्लस अब देखिए मैंगो का वेट कितना है जो हम लोग बास्केट में रखना चाहते हैं तो 2 होल 1/2 केजी तो 2 होल 1/2 केजी को ऐड कर देंगे अब देखिए 4 1 जा 4 और प्लस 3 तो 7/4 केजी प्लस 2 2 जा 4 1 5 तो 5/2 केजी अब केजी कॉमन ले लेंगे तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा तो 4 1 जा 4 तो 7 1 जा 7 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे और देखिए 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 तो देखिए 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा बाई 4 केजी अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 होल 1/4 केजी हो जाएगा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ए बोर्ड ऑफ 3 होल 7/16 सेंटीमीटर थिंग इज ग्लूड टू ए बोर्ड ऑफ 4 होल 3/8 सेंटीमीटर थिंग व्हाट इज द कंबाइंड थिकनेस ऑफ द बोर्ड्स ठीक है तो सॉल्यूशन द कंबाइंड थिकनेस ऑफ द बोर्ड 3 होल 7/16 सेंटीमीटर प्लस 4 होल 3/8 सेंटीमीटर ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16 3 जा 48 और प्लस 7 ऐड करेंगे तो 55/16 सेंटीमीटर प्लस ठीक है 4 8 जा 32 और प्लस 3 कहेंगे तो 35/8 सेंटीमीटर और 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा 16 1 जा 16 तो 55 1 जा 55 और देखिए 8 2 जा 16 तो 35 2 जा 17 और सेंटीमीटर को हमने कॉमन ले लिया है तो देखिए 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 और 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 2 है तो 125/16 सेंटीमीटर
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए 125 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 7 112 तो 125 में से 112 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 13 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट आता है उसको पहले लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 7 होल 13 बाई 16 सेंटीमीटर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ए वीजल हैड 4 होल 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क, आउट ऑफ इट ए कैट ड्रिंक 3/8 लीटर्स, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट इन द वीजल। देखिए एक वीजल में 4 होल 1/4 लीटर मिल्क है, उसमें से कैट जो है ड्रिंक कर जाती है 3/8 लीटर, तो अब उस वीजल में कितना मिल्क है यही बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन, मिल्क वाज लेफ्ट इन द वीजल, तो 4 होल 1/4 लीटर माइनस 3/8 लीटर। अब देखिए 4 होल 1/4 लीटर को मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 4 जा 16 17/4 लीटर माइनस 3/8 लीटर। अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और देखिए 4 2 जा 8 तो 17 2 जा 34, और देखिए माइनस का साइन है तो माइनस, 8 1 जा 8 तो 3 1 जा 3, और एल जो है लीटर जो है कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो देखिए 34 में से 3 को माइनस करेंगे तो 31/8 लीटर। अब हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 होल 7/8 लीटर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। राहुल कैन वॉक 5 होल 2/5 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 होल 1/3 आवर। तो देखिए राहुल जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 5 होल 2/5 किलोमीटर, तो 3 होल 1/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन, राहुल कैन वॉक इन 1 आवर इज इक्वल टू 5 होल 2/5 किलोमीटर, तो ही कैन वॉक इन 3 होल 1/3 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 होल 2/5 किलोमीटर इन टू 3 होल 1/3, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 होल 1/3 से, तो देखिए 5 जा 25 और 2 ऐड करेंगे तो 27/5, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 3 जा 9 10 तो 10/3। अब देखिए 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो 9 2 जा 18 और किलोमीटर है तो किलोमीटर हो गया, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 4/5 ऑफ ए फॉर्म इज यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इफ 3/4 ऑफ दिस पर्सन इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज, तो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज। तो देखिए सॉल्यूशन, द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज, तो देखिए कितना था, तो 4/5 था, उसमें से क्या है 3/4 में वो क्या करता है, टमाटोज का खेती करता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या करेंगे, 4/5 इंटू 3/4, तो देखिए 4 1 जा 4, और देखिए अब तो कटने वाला नहीं है, तो 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ए कार्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, जैसे देखिए एक कार्ड का लेंथ जो है 71 होल
1/2 meter है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 26 इक्वल पीस में डिवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ईच पीस का हम लोग को लेंथ बताना है, इसका मतलब हम लोग को डिवाइड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ जो कार्ड का है, तो 71 होल 1/2 meter डिवाइड 26। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आ जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, मतलब 143 हो जाएगा अब भाई 2 meter। ठीक है, और डिवाइड करना है तो डिवाइड 26/1, क्योंकि किसी भी नंबर के बाई में 1 छिपा रहता है। तो अब देखिए 143/2 meter इंटू, अब अगर इंटू का हम लोग साइन कर देते हैं, डिवाइड का साइन होता है तो वहां पे हम लोग इंटू का साइन कर देते हैं, और जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग रिसिप्रोकल कर देते हैं। तो 26/1 को हम लोग रिसिप्रोकल करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। तो 13 2 जा 26 होता है, और 13 से हम लोग 143 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 11 1 जा 11 और 2 2 जा 4, तो 11/4 meter इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होल 3/4 meter। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 होल 3/4 meter हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 liters ऑफ पेट्रोल इज ₹17 होल 2/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल। सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 liter ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू ₹17 होल 2/5। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 liter का, लीटर ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट कितना दिया है, तो ₹17 होल 2/5 दिया है। ठीक है, अब देखिए तो द कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, तो ₹17 होल 2/5 / 2 होल 3/4। ठीक है, तो इज इक्वल टू रुपीज, ठीक है, अब देखिए 70 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे तो 352 बाई 5 डिवाइड, देखिए 4 2 जा 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ₹352/5, और देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है उसका रिसिप्रोकल कर देते हैं, तो 11/4 का रिसिप्रोकल कर देंगे तो 4/11 हो जाएगा। तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, 352 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11। ठीक है, तो 11 से इसको 352 को डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा बाई 5, तो ₹128/5। अब हम लोग क्या करेंगे कि 128 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा रिमाइंडर, और 8 को उठाएंगे तो 28 हो गया, तो 5 5 जा 25, तो 28 में 25 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो रुपीज क्या हो जाएगा, 25 होल 3/5। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, विजय फाउंड दैट 3/8 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ हिज होल जर्नी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ होल जर्नी लेफ्ट कितना है, तो 3/8 है। ठीक है, तो लेट द होल जर्नी बी टेकन एज 1, तो देन फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द होल जर्नी कवर्ड 1 माइनस, और जितना लेफ्ट बचा था 3/8 को माइनस करेंगे। तो देखिए 8 1 जा 8 1/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 8 जा 8, तो 1 8 जा 8 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 8 1 जा 8
ठीक है, तो 3 1 3 तो 8 में से 3 जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। बट द लेंथ ऑफ जर्नी कवर्ड 35 किलोमीटर गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35 किलोमीटर क्या किया है, वो जर्नी कवर कर चुका है। ठीक है, तो सच डैट 5/8 ऑफ होल जर्नी इज इक्वल टू 35 किलोमीटर, तो सच डैट होल जर्नी इज इक्वल टू 35 किलोमीटर डिवाइड 5/8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 35 किलोमीटर और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, सेकंड फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/8 का रिसिप्रोकल होगा तो 8/5 हो जाएगा, तो 5 × 5 और 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 7/8 = 56 किलोमीटर हो जाएगा। तो हेंस द लेंथ ऑफ होल जर्नी इज 56 किलोमीटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।